हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। देखिए, आज से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। ठीक है, इस कोर्स में इस सब्जेक्ट से जुड़े तमाम टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स के साथ में डिस्कस करेंगे और सिस्टमेटिकली पूरा का पूरा कोर्स जो है हम कंप्लीट करेंगे। रही बात इस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंस की, और देखिए आप सभी लोग वाकिफ़ हैं इसकी इंपोर्टेंस से कि ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम, सभी के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो क्वेश्चंस है ना आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं, राइट। तो इसलिए इस पे पकड़ होना आपकी बहुत बहुत ज़रूरी है, और केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एक बात और कि ये जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, ये प्रोफेसर डीडी बासु की बुक से और एम एल लक्ष्मीकांत की बुक से, वहाँ से मैंने नोट्स तैयार किए हैं, तो उन दोनों बुक का एक कंपाइलेशन है। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मतलब क्या है, इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, राइट। तो देखिए, उसको समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, कितने भी लोग, नंबर मैटर नहीं करता, बस कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्राउड। ठीक है, अब क्राउड दो तरीके की हो सकती है। एक तो लोग इकट्ठे तो हुए हैं लेकिन बिना किसी पर्पज़ के इकट्ठे हो गए हैं, बस ऐसे ही इकट्ठे हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं मास ऑफ द पीपल, जैसे कि लोग प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे रहते हैं। अभी क्राउड का दूसरा टाइप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल, यहाँ पे लोग इकट्ठे भी हैं और एक पर्पज से इकट्ठे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल। जैसे फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी। देखिए, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, किसी परिवार में 10 सदस्य मान लीजिए आप। अब उस परिवार ने आपस में मिलकर एक नियम बनाया है अपना कि भाई हम सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, सुबह पूजा पाठ करेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद ही अपने ऑफिस को जाएंगे। तो ये क्या हुआ उनका, ये हुआ उनका पर्पज। जहाँ पे पर्पज आया वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज काम होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो वो हुआ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, जो ये वैष्णव लोग होते हैं, क्या करते हैं ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो इनका सबका पर्पज क्या है, भगवान विष्णु की पूजा करना, तो वो भी क्या हुआ, वो भी हुआ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऐसी एग्जांपल ले लो टेररिस्ट, देख टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही उनका पर्पज खराब होता है। उनका क्या पर्पज है, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाना, मारना, लूटना, हाँ, परेशान करना, तो ये क्या हुआ, ये भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ। आई होप कि क्लियर हो गया होगा अब कि क्राउड के दो टाइप हैं, मास ऑफ द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल, दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए, जब हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करेंगे तो हम इस वाले पोर्शन का, इस वाले भाग का तो कहीं पर डिस्कस करेंगे ही नहीं, ये तो कैंसिल आउट कर दो, इसको तो आउट कर दो अपने डिस्कशन से बाहर। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम कंसिडर करते हैं इस वाले को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल को, तो यही हमारा बेस है और इसी से हम डिस्कशन शुरू करेंगे आगे का, ठीक है। और इसी से निकल के आएगा आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, राइट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो देखते हैं अभी, तो एक सोसाइटी में कोई एक ही तो ऑर्गेनाइजेशन होने से रहा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होंगे एक ही टाइम पे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू का, दूसरा है मुस्लिम का, तीसरा है सिख का, और भी बहुत सारे हैं क्रिश्चियंस का है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं एक ही टाइम पे सोसाइटी में। अब एक आप सिचुएशन इमेजिन करिए कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज है वो सेम है, या फिर ऐसे कहिए कि ये लोग जो है एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो फिर क्या कभी इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कभी नहीं होगा कोई कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इनका तो पर्पज ही एक है, सेम पर्पज है, तो सभी लोग जो हैं हारमोनियसली जो इनका एग्जिस्टेंस है वो बना रहेगा समाज में, और कभी इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी नहीं। एक सिचुएशन तो ये है, लेकिन ये रियलिटी से, वास्तविकता से अलग सिचुएशन है, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविकता की, तो वास्तविकता ये है कि इनके जो पर्पज हैं वो होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। कोई किसी की पूजा कर रहा होता है, कोई किसी की पूजा कर रहा होता है, किसी की पूजा करने की पद्धति कुछ और है, किसी की पूजा करने की पद्धति कुछ और है। तो जब इनके पर्पज अलग अलग होंगे और केवल एक टाइम पे केवल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो काम करने कर रहे ही नहीं होंगे सोसाइटी में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और भी होंगे जो एट द सेम टाइम यहाँ पे उपस्थित होंगे और वो भी काम कर रहे होंगे और उनका भी पर्पज अलग अलग होगा, ठीक है। अब रिलीजियस के साथ में यहीं पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहा होगा, हाँ, तो उसका तो पर्पज सबसे ही अलग है, समझ रहे ना बात। तो इस तरीके से बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होंगे एट द सेम टाइम,
अलग अलग पर्पज़ के साथ में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होगा समाज में, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कुछ मैकेनिज्म अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमें एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो इन सब में सामंजस्य स्थापित कर सके, राइट, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखते हैं अभी आगे, तो वो जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको बोलेंगे हम स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, है स्टेट का काम क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी सोसाइटी में काम कर रहे हैं उनके पर्पज को हारमोनियस बनाना, ठीक है, समझे, या फिर ऐसे कहिए कि उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पज में एक सामंजस्य स्थापित करना, ये है आपका स्टेट का काम। तो समझ में आ गया कि आपको स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसको ऐसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि ये भी यात्री हैं, एक यात्री 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 पैसेंजर्स हैं ये, और इनको कहीं कहीं जाना है, मतलब इनके डेस्टिनेशंस तो अलग अलग हैं, इन सभी के डेस्टिनेशन अलग अलग हैं और इनको लेकिन कॉमन बस से जाना है, तो वो जो बस है वो है आपका एक स्टेट, इन सबको उसने यात्री सब उस बस में बैठे और वो एक डायरेक्शन में ले कर चल दी उन्हें, ठीक है, समझे कि नहीं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको सब कुछ। चलिए तो अभी देखते हैं, अभी जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है ये कुछ नहीं है, ये स्टेट की स्टडी को ही बोलते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जो स्टेट आया ना हमारा ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इसी की स्टडी को बोलते हैं हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक में हम स्टेट की स्टडी करते हैं। अभी देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट आया हमारा उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि उसका कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तीन में, ठीक है। तो सबसे पहले उसका जो पार्ट है वो है लेजिस्लेशन, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। तो लेजिस्लेशन का क्या काम है, लेजिस्लेशन का काम है कानून बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी है ये आपकी संसद विधानसभा, ये सब जो है ये है लेजिस्लेशन। यहाँ पे आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठते हैं, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, राइट। दूसरा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, विधायिका ने जो कानून बना दिया उसको इम्प्लीमेंट करना, राइट, उसका काम है एग्जीक्यूटिव का। अभी बात करते हैं जुडिशरी की, जुडिशरी का क्या काम किया कि जो ये लोग काम कर रहे हैं कानून बनाने का काम किया ना उन्होंने, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का काम किया, वो ठीक कर भी रहे हैं कि नहीं, तो वो जुडिशरी का काम है कि वो उन नियम को कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रख के देखेगा कि वो ठीक भी है कि नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि वो इंटरप्रिटेट करता है आपके लॉ को, इंटरप्रिटेशन का काम किसका है, लॉ का, जुडिशरी का, ठीक है। तो ये हैं आपके स्टेट के टाइप्स। चलिए आगे चलते हैं, अभी देखिए, अभी वापस से फिर वही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं कि इनको भी आप ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए तीन, ये भी एक अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भी अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है, तीन ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक दो तीन। अगर जो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन हारमोनियसली काम करें, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के काम करें, तो कभी कोई बात कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, राइट। लेकिन वास्तविकता कुछ और है, वास्तविकता ये है कि तो कॉन्फ्लिक्ट तो कभी ना कभी होता ही है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए जैसे हमें वहाँ पे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी स्टेट की, तो इनको भी इनके पर्पज़ को भी इनके पर्पज़ में भी सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक और भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उस ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों के कामों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करेगा, राइट। इसमें एक और पिलर आ गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पीपल्स ऑफ द स्टेट में। देखिए ये तो हो गया कानून बनाने वाले लोग, ये इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हो गए, और ये हो गए देख रेख वाले कि कानून सही भी है कि नहीं। लेकिन आम लोग, आम जनता वाले लोग, वो भी तो खुद अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, तो वो भी है पीपल्स ऑफ द स्टेट। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में और कुछ डिस्कस करना ही नहीं है, इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है डिटेल में, वो भी सब कुछ। तो इस प्रकार क्या हुआ, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम पाँच पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया, इसमें हम पढ़ेंगे अब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे हम, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और सैलियंट फीचर एंड प्रोविजन्स हैं। तो ये सब पढ़ेंगे हम इस वाले पिलर के अंदर, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव साथ में। एग्जीक्यूटिव भी टाइप्स की हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की, जैसे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है हमारी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में ये लोग आते हैं सब, प्रेसिडेंट, पीएम, कैबिनेट, अगर जो यूनियन कैबिनेट की, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो,
और स्टेट की बात करें तो वहीं पे गवर्नर, सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट वालों की, तो ये सब ये हैं आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सब कुछ हम, ठीक है। और दूसरी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है या फिर इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जो है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम सारा का सारा। फिर जो तीसरा था वहाँ पे लेजिस्लेचर, यानी कि जिसका काम है नियम बनाना, इसका काम है इम्प्लीमेंट करना, इसका काम है नियम बनाना, राइट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनियन, यूनियन के संदर्भ में क्या है आपका पार्लियामेंट है, और स्टेट के संदर्भ में क्या है विधानसभा और विधान परिषद, ये सब क्या काम करते हैं, ये भी नियम बनाने का काम है ना इनका। फिर लोकल बॉडीज जो हैं, जैसे कि आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन लोकल अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनसिपालिटीज़ हैं, इन सब का भी काम क्या है, इन सब का काम भी है नियम बनाना, ये भी क्या है लेजिस्लेचर्स हैं, राइट। लोकल गवर्नमेंट्स में आप ये पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ये रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में म्यूनसिपालिटीज़, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में, और रूरल में आपका जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। आगे चलिए, फिर जो चौथा उसका जो पार्ट है ये है आपका जुडिशरी। जुडिशरी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखिए यूनियन, यूनियन के केस में सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और फिर आपका रिसेंट डेवलपमेंट भी देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, एक जुडिशियल ओवररीच भी होता है यहीं पे, ये भी डिस्कस करेंगे, और एडीआर मैकेनिज्म, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जुडिशरी वाले पोर्शन में। फिर जो पांचवा जो पिलर था वहाँ पे ऊपर देखा था हमने भी, पीपल ऑफ द स्टेट, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे कि राइट इशूज, जैसे RTI हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स, जिसमें हम ये पढ़ेंगे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन, वो सब यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, राइट। और राइट टू सर्विस, ये यहाँ पे डिस्कस होगा। फिर कुछ मुद्दे बताया ना कि लोगों से जुड़े मुद्दे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, तो पीपल एम्पावरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिटीजन चार्टर यहाँ पे डिस्कस होगा, सिविल सोसाइटी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, और फिर रिड्रेसल ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म, राइट, यहाँ पे सारा का सारा डिस्कस होगा। तो यहाँ पे जितने भी आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, संस्थाएं हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सब की सब यहाँ पे डिस्कस होगी इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो बस यहाँ से हम शुरू करेंगे इस वीडियो में, से बस इतना ही है। अगले वाली वीडियो से हम कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रीएम्बल, ये यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट प्रीएम्बल, राइट। और प्रीएम्बल को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो धन्यवाद देखने के लिए।